तो गाइस पिछले 24 घंटों में डेवलप की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस अब तक का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर, ब्रॉन स्ट्रोमैन को कल के मंडे नाइट रॉ पर यहां पर इंजरी हो चुका है। तो गाइस फाइनली यहां पर सिथ्रोन का एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ पर रिटर्न होता है, जहां आने के बाद वो ब्रॉन्सन रेड के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद क्या एक बार फिर से यहां पर कोडी रोड वर्सेस रोमेंस के बीच मैच देखने को मिलेगा, आखिर इस पर क्या रूमर से आगे की वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद फाइनली एक बार फिर से यहां पर एनएक्सटी ने अपने यहां पर लोगों को चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं इसी प्रकार का कुछ है। उसके बाद यहां पर बैड ब्लड इवेंट को लेकर कुछ यहां पर चेंजेस हुए हैं, जो कि हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सेथ फ्रिकन रॉलिंग को लेकर, इनको लगभग 2-3 महीनों के बाद एक बार फिर से यहां पर इनका रिटर्न देखने को मिला मंडे नाइट रॉ पर। हालांकि गाइस उनका एंट्रेंस कुछ इस प्रकार हुआ कि वो आने के बाद यहां पर मैच में दखल अंदाज करते थे, जहां हम ब्रॉन स्ट्रोमैन को इस मैच में जितवा देते हैं। तो गाइस अगर बात करें यहां पर सिथ्रोन का अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो हो सकता है यहां पर सिथ्रोन का जो अगला स्टेप हो यहां पर इनके रेलवेर यहां पर ब्रॉन्स रेड के साथ चले। तो गाइस यहां पर ये भी हो सकता है कि यहां पर इनका जो अगला ध्यान हो यहां पर रॉमरेज और कोडी रोड के ऊपर हो, क्योंकि गाइस यहां पर रसुमेनिया मैच में यहां पर सिथ्रोन भी आया था यहां पर कोडी रोड को हेल्प करने के लिए, जिसकी वजह से यहां पर देख सकते हैं यहां पर टीमिंग जैसे हो सकता है कि इनका अगला स्टेप हम कोडी रोड ही हो जाए। तो गाइस काफी दिनों बाद एक बार फिर से यहाँ पर रिंग कोलैप्स होते हुए दिखाई देने को मिला, जहाँ ये मैच हो रहा था यहाँ पर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉन्सन रेड के बीच। उसके बाद गाइस यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को इस बार के मंडे नाइट रॉ पर इनको इंजरी हो चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आर ट्रूथ का भी रिटर्न देखने को मिलता है इसी मंडे नाइट रॉ पर, और गाइस इनका यहाँ पर तो अलग ही है, यहाँ पर आने के बाद जैसे इनका रिटर्न होता है और इनको मिज यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर बैड ब्लड में यहाँ पर टाइमिंग की वजह से थोड़ा चेंजेस देखने को मिला, शायद उसकी वजह से यूएफसी हो सकती है, उसका भी कोई इवेंट था शायद। ये मैच शायद से जो सुबह होने वाला था शायद से 8 बजे यहाँ पर रात को देखने को मिलेगा, प्रीवियम लाइव इवेंट स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद गाइस यहाँ पर ले मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टेरियो का रिएक्शन कुछ इस प्रकार देखने को मिला, जब उन्होंने देखा कि उनका यहाँ पर टॉयलेट पेपर में यूज हो रहा है डोमिनिक मिस्टेरियो का फोटो। वैसे गाइस यहाँ पर जो डोमिनिक मिस्टेरियो का फोटो यूज हो रहा है टिश्यू पेपर के यूज में, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये बेसिकली यहाँ पर मर्चेंडाइज सेल के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जे उसो को लेकर, जे उसो कल पहली बार यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पे चैंपियनशिप बेल्ट के साथ देखने को मिले। हालांकि गाइस ये जे उसो के करियर का ये पहली बार होगा जब उन्होंने यहाँ पर इंटर क्वार्टर चैंपियनशिप के साथ यहाँ पर रिंग में देखने को मिले, और गाइस उनके यहाँ पर चैंपियनशिप बेल्ट में यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी देखने को मिला, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आने वाले मंडे नाइट रॉ पे क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो गाइस इस बार मंडे नाइट रॉ पे यहाँ पर 4 मैचेस को ऑफिशियली यहाँ पर मैच कंफर्म किया गया है। पहला मैच यहाँ पर सेमी जेन वर्सेस यहाँ पर गुंथर के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मैच देखने को मिलेगा जे उसो वर्सेस जेवियर हुड के बीच इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद थर्ड मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा सीमस वर्सेस पिट डोमने के बीच। तो गाइस एनएक्सटी लोगों को चेंज करके कुछ इस प्रकार का लोगो यहाँ पर देखा गया, आप देख सकते हैं एनएक्सटी का लोगो। तो गाइस पिछले 14 सालों में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पर एनएक्सटी को लोगो में चेंज किया गया है, 2012 में, 2014 में, उसके बाद 2019 में, उसके बाद 2021 में, फिर उसके बाद 2022 में, फाइनली 2024 में भी देखने को मिला चेंजेस यहाँ पर लोगो में। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं ये कोडी रोड का नया शेड्यूल है, आप देख सकते हैं उनका यहाँ पर जो अक्टूबर का नया शेड्यूल है आप देख सकते हैं सामने आ चुका। वैसे गाइस यहाँ पर कोडी रोड को काफी यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, आप देख सकते हैं उनको यहाँ पर एनएक्सटी में भी देखने को मिलता है, उनको यहाँ पर रॉ उसके बाद स्मैकडाउन पर भी देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर रॉमरेंज और कोडी रोड के बीच एक रैलवरी फिर से स्टार्ट होने को मिल रहा है, हो सकता है कि इनका तीसरा मैच एक बार फिर से देखने को मिले, और गाइस ये देखने को तब मिलेगा जब यहाँ पर रॉमरेंज और कोडी रोड यहाँ पर वर्सेस सोलो सिको के बीच मैच होगा, तब इनके बीच एक रैलवरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पिक आप देख सकते हैं जहाँ जिमी उसो और रिकी सी के साथ आप फोटो खिंचाए हुए थे, अब यहाँ पर जी उसो अपने बेटे के साथ फोटो खिंचाए, साथ से उनका बेटा अगला रेसलर होने वाला है। वैसे गाइस ये खास बात तो है क्योंकि जी उसो का बेटा उनकी तरह सेम लग रहा है और साथ से ये रेसलिंग में थोड़ा सा महारत हासिल करे। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है जेनी फातो को लेकर, अभी जेनी फातो को लेकर कुछ पता नहीं चला, और गाइस अभी भी यहाँ पर इनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है और इनके यहाँ पर फैमिली रिक्वेस्ट भी करे अगर कोई देखे तो बता दे शायद से इनको। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर सेल्टेल बेंजामिन को लेकर, सेल्टेल बेंजामिन को जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर रिलीज किया था तभी से वो यहाँ पर फ्री एजेंट बन चुके हैं, अब शायद से उनका यहाँ पर रिटर्न हो सकता है। उसके बाद गाइस आज का लास्ट और फाइनल अपडेट है यहाँ पर पीटी रोज को लेकर, इनका यहाँ पर डेथ हो चुका है। वैसे ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी पुराने रेसलर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड में से एक हुआ करते थे, खैर फिलहाल इनका यहाँ पर डेथ हो चुका है। तो गाइस यही थी आज के सारे न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।